जिंदाल। 26/11 में शामिल एक और खुलासा, मुंबई हमलों का साजिशकर्ता आतंकी अबू जिंदाल के खुलासे ने सबको चौंका दिया है। अब एक नए खुलासे में पता चला है कि जम्मू कश्मीर में हुए 36 सिंहपुर नरसंहार को आतंकी संगठन लश्कर ए तोयबा ने अंजाम दिया था। इसी संगठन ने इस हत्याकांड की साजिश रची और इसे अंजाम देने में अहम भूमिका निभाई। मालूम हो कि ये नरसंहार सन 2000 में जम्मू कश्मीर में हुआ था, जिसमें 35 सिखों की हत्या कर दी गई थी। इस नरसंहार के बाद कश्मीरी कट्टरपंथियों ने इसके लिए सेना को दोषी ठहराया था। जांचकर्ताओं ने बताया कि जिंदाल पाकिस्तान के मुरीद के शहर में अपनी पत्नी और 2 साल के बेटे को छोड़कर सऊदी अरब चला गया था, ताकि वे भारत में आतंकवादी हमलों की योजना बना सकें। दिल्ली पुलिस सऊदी अरब से प्रत्यर्पित होने के बाद 21 जून से ही जिंदाल से लगातार पूछताछ कर रही है। खुलासे के बाद पाकिस्तान की भूमिका भी साफ दिखती नजर आ रही है। जिंदाल और कितने खुलासे करेगा, फिलहाल ये कहना मुश्किल है, लेकिन जिंदाल के सनसनीखेज खुलासे ने पाकिस्तान को मुश्किल में ला दिया है। अबू जिंदाल ने आखिर मान ही लिया कि कश्मीर पर हुए हमलों में लश्कर ए तैयबा का हाथ रहा है। फिलहाल ये देखना होगा कि भारत सरकार अबू जिंदाल के इस बयान को पाकिस्तान सरकार के सामने साक्ष्य के तौर पर किस तरह से पेश करती है। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ न्यूज़ पॉइंट के लिए शैलेश तिवारी, दिल्ली से।